जोरदार बारिश की तरह होता है। उसके थमने के बाद भी उसका गीलापन धरती के अंदर समाया रहता है। समुद्रों से घिरे इस देश में सिर्फ उसके सपने ही मेरी सांसों को ना थमने का एक बहाना देते हैं। दुनिया में कितने भी बदलाव हों, हमारे अंदर चाहे कितने भी बदलाव हों, पर पहला प्यार कभी नहीं बदलता, वो हमेशा आंखों में रहता है। कार्तिक नाम के पेशेंट को कहां एडमिट किया है? ये कार्तिक है, ये हमारी कहानी का हीरो है। कार्तिक की जिंदगी में बदलाव के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है और उनमें से एक मुख्य व्यक्ति ये है। मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में हूं और तुम इसे तोड़ना चाहते हो? ये बिल्कुल गलत है रामस्वामी, रोक दो। रामस्वामी की पुरानी आदत है, अगर शुरू कर दिया तो रुकना नामुमकिन है। मैं सिर्फ सोचूंगा, तुम दुनिया से उठ जाओ। तुम जैसे लोग जो अगर राजनीति में आते हैं तो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, और मेरा राजनीति में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, गुनहगार को मिटाना। मैंने फैसला कर लिया। अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो जिंदा नहीं रहोगे। सब माया है। अस्य श्री रामचंद्र नाम अष्टोत्तर शतम ये है वो। कल इसे खत्म कर देंगे। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, पौंडीचेरी में इसका बहुत नाम है। अरे तो क्या हुआ, कितना भी नाम क्यों ना हो, मैं खत्म करूंगा ना। हेलो। हमेशा टीवी के सामने बैठी रहती है, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। दर्द हो रहा है माँ। आराम से बैठो।
शारदा, मछली फ्राई करना है या ग्रेवी बनानी है? फ्राई करना है माँ। दीदी, भैया ऊपर बैठे हैं। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी। भाई कार्तिक आया है। बोलो। हाँ भाई, क्या करें, परेशान हाँ, होती तो है। मत कहो सही कर जिएगा ही ना। और आए क्या वो लोग? अभी नहीं भैया, तो चाय देना। भाई शक्कर कम डालना। ये लो। को मारने जा रहे हो, सामने वाले की क्या हैसियत है कुछ पता नहीं करते हो? पैसा ऐसे काम करता है, है? अभी गर्म खून है ना, ऐसा ही होगा। तुम्हें एक मिनट का टाइम देता हूँ, बोल दिया तो अच्छा है। पांडिचेरी आ गए, जाके उसे हिसाब कर ले। अरे पांडिचेरी आ गया, उठ जाओ। ओए वेलू,
कार्तिक तू आ गया? जल्दी आएगा, बस दो मिनट। कितना भी पानी में रह ले वैसा ही दिखेगा। हम कहाँ जा रहे हैं भाई? चुपचाप बैठे रहे। ठीक है भाई। अरे ये लेडीज बैग कहाँ से आया? ए, ये क्या है इसमें? लेडीज बैग? ये कहाँ से आ गया? क्या जमाना आ गया है बेशरम कहीं के थू? ए, चल फेंक इसे। लेडीज इसको अंदर पहनती है ना? अरे निकाल कर फेंक उसे। मैं नहीं फेंकूंगा। क्या यार तू भी। कौन है यहाँ? ये झूला कैसे हिल रहा है? कौन? ए नंदा। कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? मुझे नहीं जानती तू? नहीं जानती। हाँ, प्यार के वादे करके भूल गई? प्यार? मैंने प्यार कब किया? झूठ बोलेगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सच बता। किससे? बताती हूँ। बता किससे? अशोक। मैं ही हूँ वो। क्या अशोक? लेकिन वो तो आदमी है और तुम्हारी आवाज तो लड़की जैसी है। मैं भूत हूँ ना? कैसे भी बात कर सकता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तू चाहिए। मैं? आ, मेरे पास आ, आजा। सुन रही है ना तू? तेरे बारे में सोच सोच कर मरने के बाद भी मैं भूत बनकर आ गया हूँ। देखना है, देखना है, देखना है। हे नंदा, क्या हुआ? नंदा, नंदा, क्या हो गया तुझे? नंदा, नंदा उठ, नंदा, नंदा। नंदा उठ जा। नंदा होश में आ। नंदा, नंदा उठ ना। तूने ये सब कुछ किया? तुम पिताजी से जाकर मिली? हाँ मिली थी। तो ये खुशी से भी कह सकती है ना? चटनी में नमक कम है ना, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। तू ना, पता नहीं क्या करूँ तेरा। तो क्या, इतने दिनों बाद मैं तेरे यहाँ आ रही हूँ और मेरे बारे में ना पूछकर पापा के बारे में पूछ रही है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए मैंने पूछा। अरे पर मैं तेरी फ्रेंड हूँ ना। हाँ, फ्रेंड होकर भी मुझे 2 साल के बाद तू मिलने आई है। ओ, तो इसलिए नाराज है? तो क्या, जगह जगह घूमती रहती है, 100 किलोमीटर दूरी पे अपनी फ्रेंड से एक बार भी नहीं मिलने आ सकती तू? वैसे तू यहाँ पर क्यों आई है? उसे ढूंढने आई हूँ, तुझे तो पता ही है ना। तू अब तक नहीं भूल पाई उसे? उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर कोई पता नहीं चल रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। पता नहीं नंदा, अब वो मुझे मिलेगा भी या नहीं। इतने साल तू उसे ढूंढ नहीं पाई, वो भी तुझे मिलने नहीं आया, अब कैसे मिलेगा? एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगा। कैसे है ये? बचपन में पेंसिल से कुछ किया करती थी, अभी पेंटिंग ब्रश से तुम कुछ किया करती हो। ठीक ही है। थैंक गॉड, मुझे लगा था कहीं तू इन पेंटिंग्स की बुराई ना कर दे। क्यों? कॉलेज में तेरी पसंदीदा कोई भी पेंटिंग को आज तक कभी प्राइज नहीं मिला। जो भी तुझे अच्छा नहीं लगता उसी को प्राइज मिलता था। लेकिन इस बार के एग्जीबिशन में देखना, मैं ही जीतूंगी। ठीक है मेरी माँ, तू जाकर जीत क्या, मैं कुछ नहीं कहूँगी। जरा सुनील के पास रखना, पेंटिंग को फ्रेम लगा रहा हूँ। बाय बाय। खत्म करके कॉल कर, मैं तुझे पिकअप करने आऊंगी। दो घंटे से वेट कर रहे हैं। आरटीओ नया है सर, आप जाइए, मैं बात करता हूँ। जाइए जाइए जाइए।
ये लीजिए। दे मुझे ना। देखो मूर्ति ने बोला इसलिए दिया मैंने, वो गुंडा मवाली है। वो सब हम संभाल लेंगे सर। ये क्या है बेटी? रख लीजिए सर। बताओ ये मेरे सिर में क्या है? आपको गिरकर ये चोट लगी है क्या सर? एक बंदा बाइक से तेजी से आया, मैंने उसे रोका। हाँ। लाइसेंस मांगा, उसने बोला कि नहीं है। मैंने उसको बोला कि गाड़ी तुरंत साइड में लो, लेकिन नहीं, उसने मना कर दिया। मैंने बोला चाय पानी का देख लो, मैं तुम्हें देख लूंगा। उसने पॉकेट से छुरी निकाली और सीधा मेरे सर पे। निशान देख रही हो ना? तभी से मैंने कसम खा ली, पैसे किसी से नहीं लूंगा मैं, और आप पैसे दे रही हैं, जाइए। उसने पुलिस वाले को मारा है, पता नहीं हमें क्या करेगा। तुझे डर लग रहा है तो तू मत आ। डर तो लग रहा है, फिर भी मैं आती हूँ। आज या तो वो ही रहेगा या मैं रहूंगी। अब तक तो पता नहीं वो कहाँ चला गया है। मुझे ये सही नहीं लग रहा है। सही है, गलत सोचने का टाइम नहीं है, बस हमें उसे ढूंढना होगा। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। मैं सच में डरी। कौन है रे तू? तेरा कार क्यों है? चुप हो जा। क्यों कर रही है? कोई तुझे रोकने वाला नहीं है। मतलब तू हवा में उड़ेगा? यू स्टूपिड इडियट। क्या कर रही है? नॉनसेंस। तुम जैसे आवारा लोग। तुमने इसको छोड़ क्यों दिया? पर भगा भगा कर मारना चाहिए। भाई तुमने फोन तोड़ दिया, वरना उसके नंबर से उसको ढूंढ लेते। उसकी बातों को भूलने के लिए पी रहा हूँ और तू बार बार याद दिला रहा है। कैसे बोली वो तुमको? आखिर तुमसे ऐसे बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। जाने दे बे। बस क्या प्रॉब्लम है बस? हैं? बिना कुछ किए ही चिल्लाना लड़कियों की प्रॉब्लम है। मेरी एक लवर है बस, कसम से बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती के सामने पानी कम चाय है सब। लेकिन अगर एक बार भड़क जाती है ना, तो मेरी और मेरी फैमिली की खैर नहीं। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता मुझे। मेरा दिमाग पहले से खराब है, तू और खराब कर रहा है। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था और आप मुझे। तुझे मेरी हेल्प करने के लिए किसने कहा? उसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, देख लेना। ए, उसने तुझे धक्का दिया और तुमने उसे गाली दी, बात बराबर हो गई ना? अब ये सब जाने दे। ऐसे कैसे जाने दूं? कैसे जाने दूं? हाँ, क्या कर लेगा वो? अगर मेरी एक भी पेंटिंग बिक जाती तो आश्रम में एक बच्चे को महीने भर का खाना मिल जाता, और उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। गलत कह रही हूँ क्या? और तू कह रही है उसे छोड़ दे? हाँ? ए, तो इसमें कर भी क्या सकती है? वो तो बस तू देख दीजा। उधर देख। हाँ? टाइम क्या हुआ है? तेरी तो दू क्या है? अरे रुक जाओ भाई, अगर इसको मारा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
टॉर्चर तो उसने किया, पर मार मुझे पड़ी। हाय वीवर्स, मैं आपकी निशा। आज आप देखने वाले हैं दाढ़ी के पीछे पड़ी लेडी। हर आदमी जो दाढ़ी रखता है उसके पीछे रीजन जरूर होता है। किसी को अच्छा लगता है तो रखता है, कोई लव में फेल हो जाता है तो रखता है। यहाँ पे दाढ़ी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। चलिए इनसे पूछते हैं इन्होंने दाढ़ी क्यों रखी है। आपके दाढ़ी रखने के पीछे कौन सी लेडी है? टीचर। टीचर है? आप कितने सालों से लव कर रहे हो? 10 सालों से। लड़कियों को दाढ़ी अच्छी लगती है ना, इसलिए रखी है मैंने। अच्छा, आपके दाढ़ी रखने के पीछे किसका हाथ है? मेरी दाढ़ी के पीछे तो कोई नहीं है, इसकी दाढ़ी के पीछे शायद कोई तो है। सर कौन है वो? ऐसी कोई बात नहीं है, ये लव वव समझ में नहीं आता। ए, स्कूल में तुझे एक लड़की अच्छी लगती थी ना, इनको बता ना। इन्होंने तो आपके बारे में बता दिया, अब आप खुद ही बताइए सर। वो बचपन में ज्योति नाम की लड़की अच्छी लगती थी। ज्योति नाम की लड़की अच्छी लगती थी, वो कहाँ रहती है सर? मैं और ज्योति साथ में ही पढ़ते थे, गाँव कोड़ीकोलम, मदुरई के पास में ही है। मदुरई के पास कोड़ीकोलम। अभी वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ पता है उसके बारे में? कुछ ज्यादा नहीं मालूम, ज्योति से मिलकर 7-8 साल हो गए। ज्योति को मैं बहुत अच्छा लगता था, पहले मुझे ज्योति अच्छी नहीं लगती थी, फिर धीरे धीरे उसके दिल को जानने लगा और मैं भी उससे प्यार कर बैठा। फिर हालात कुछ ऐसे बने कि हम लोग अलग हो गए, उसके बाद से उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। अब ज्योति कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रही है, मुझे कोई खबर नहीं। सर अगर ज्योति आपको ढूंढते हुए आए तो? अब तक नहीं आई तो अब क्या आएगी, आना होता तो पहले आ जाती। मैं कार्तिक को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। तू पागल हो गई है क्या? हाँ, जब तक वो मुझे आईलैंड भी नहीं करेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सब तुम्हारे डैडी को पता चल जाएगा तो? ए, अब उनके बारे में क्यों बात कर रही है? अच्छा ठीक है, तू कब से उसके पीछे पड़ी है, लेकिन वो तो तुझे देखता भी नहीं। मुझे पता है कि क्या करना। ठीक है ठीक है, तुझे जो सही लगता है वो कर। ए जेरेमी, क्या है? जरा रुकना, ये ले चॉकलेट। किस लिए? बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ज्योति। तुम लोग हंस क्यों रही हो? आज मेरा बर्थडे नहीं है, कार्तिक का बर्थडे है। क्या बात कर रही हो, उसने तो बोला ही नहीं। ये कार्ड ले और उसके पास पहुंचा देना, कहना कि मैंने दिया है। ओके। ए कार्तिक, क्या रे? ये बहुत गलत बात है, तू मेरा दोस्त है फिर मुझसे क्यों छुपाया? मैंने क्या छुपाया? बर्थडे किसका? तेरा और किसका? ज्योति ने मुझे चॉकलेट दिया। ज्योति क्यों देगी, मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है ना। अच्छा, फिर उसने मुझे ग्रीटिंग्स क्यों दिया? बेवकूफ कहीं का, उसने ये लव लेटर भेजा है। लव लेटर? उसे मैं देख लूंगा, तुम चलो मेरे साथ। इसीलिए चॉकलेट दिया था क्या? मेरा लेटर देखकर वो क्या सोचेगा ना? वैसे तो लड़के लड़कियों को लेटर लिखते हैं, तू पहली होगी जिसने लड़के को लेटर लिखा है। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, आज ही उसे पता चल ही जाएगा। देख वो आ गया। ए सुन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी बार तुझे कहा है कि तू मुझे अच्छी नहीं लगती, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देकर अच्छे नंबर ला। उससे पहले अगर तुमने मिलने की कोशिश की या लेटर लिखा तो मैं तुझे बता रहा हूँ ठीक नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई की उम्र में लव लेटर लिख रही है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। स्टूडेंट्स, पेपर करेक्शन हो गया है, देखते हैं किसको कितना नंबर मिला है। पूरे क्लास में फर्स्ट। मैं? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, तालियां बजाओ, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। स्टूडेंट के नाम पे कलंक हो तुम, फर्स्ट मतलब सिर्फ एक नंबर मिला है तुम्हें। ये लो। सही बात है टीचर, पिछली परीक्षा में अंडे मिले थे, अभी एक नंबर तो मिला, इम्प्रूवमेंट इसी को तो कहते हैं। साइलेंस। क्लास में कार्तिक फर्स्ट आया है। कार्तिक, ए कलंक, 50 में से 49 मिले हैं, वेरी गुड, थैंक यू मैडम। ज्योति, कार्तिक तुम ज्योति को उसका नंबर बताओ। हे भगवान, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। 46। कार्तिक, रुको रुको रुको, अब बोलो। क्या बोलना है? आई लव यू बोलो। तुमने ही तो कहा था ना अच्छे मार्क्स लाऊंगी तो मुझे आई लव यू कहोगे। कहो ना कार्तिक,
सुनो कार्तिक, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे क्यों ऐसे अवॉइड करते हो? देखो, जैसे तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हें वैसे पसंद नहीं करता। अरे यार, कचरा कर रहा है। और सुनो, ये प्यार व्यार के चक्कर में मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? डोंट डिस्टर्ब मी। अब चल। ए, जब देखो कार्तिक कार्तिक करके उसके पीछे भागती रहती है और वो तुझे अवॉइड करता रहता है। चलेगा, चाहे वो मुझे कितना भी अवॉइड कर ले, पर मैं हमेशा उसका वेट करती रहूंगी, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ इसका कारण सिर्फ कार्तिक की माँ है, पर आज वो इस दुनिया में नहीं है। बचपन में साइकिल चलाते वक्त अचानक एक लॉरी मेरे सामने आ गई और मुझे बचाने के चक्कर में उसकी मम्मी ने अपनी जान गंवा दी। मेरी वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया। उसके अकेलेपन का कारण सिर्फ मैं हूँ। जो कुछ हुआ सब मेरी वजह से हुआ। हमें संभालने के लिए तो हमारे माँ बाप हैं, पर उसके साथ कौन है? अब तो बता, क्या गलत किया मैंने उससे प्यार करके? ए, कार्तिक आ रहा है, देख। ज्योति, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो ना। इतने दिन से मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और अवॉइड करता रहा, प्लीज क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? कोई बात नहीं ज्योति, आई लव यू। अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना? बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। स्कूल में सिर्फ पढ़ना सिखाते हैं या कुछ और भी सिखाते हैं? हाँ। क्या हुआ? हाँ? अरे ये दोनों, अगर दोस्त लोग अच्छे हो तो बच्चे भी अच्छे होते हैं, और अगर वो रास्ता भटक जाए तो दोस्तों की वजह से ही। तुम लोग तो अच्छे दोस्त हो ना? मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। राधा अमृता, खड़ी क्यों हो? अंदर आ जाओ। ए, तुम अंदर जाओ। हाँ? जाओ। इन्हें क्या हो गया? भैरवी। हाँ? सुनो, उस डायरी में एक फोटो है, जरा देखो तो। हाँ। कौन है ये लड़का? हमारा जमाई है। हाँ? अगले महीने इसके साथ अपनी ज्योति की शादी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? स्कूल जाने वाली लड़की की आप शादी करवाएंगे? ए, स्कूल जाने वाली लड़की प्यार और प्रेम के चक्कर में पड़ी हुई है, इससे अच्छा है कि उसकी शादी कर दें। हाँ? हमारी लड़की ऐसे उसे लगता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। सब जानकारी बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मैं उसे नहीं, उससे बोल देना, अगर वो मुझे उसके साथ घूमती हुई दिख गई तो उसकी तुरंत शादी करवा दूंगा, समझे? माँ, क्या बात है माँ? जाकर प्लेट लेकर आ। ज्योति, अब से स्कूल जाने की जरूरत नहीं, तू घर पर ही रह। क्यों?
बच्चे स्कूल जाते हैं मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तू क्या करती है? मैंने क्या किया है? ए, ऐसे नाटक मत कर जैसे कुछ पता नहीं है। पापा को सब पता चल गया है। जब से उन्होंने बताया मैं सो नहीं पा रही। अगर लड़की पैदा हुई तो उसे संभाल कर पालने के लिए कहते हैं। मैंने तुझे लाड़ प्यार से पाला, ये मेरी ही गलती है। दोबारा ऐसी गलती मत करना। मेरी बात ध्यान से सुन, उन्हें गुस्सा मत दिला वरना तू किसी को खो देगी। भैरवी, हाँ? इसे दूसरों के साथ घूमने के लिए ताकत चाहिए ना। अंदर से सारा खाना लाकर इसे खिला दो। क्या देख रही हो? गुस्सा आ रहा है। आना ही चाहिए। तुझे नहीं, मुझे। तुम्हें पैदा किया ना मैंने, यही सोच के पछता रहा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत। रहने दीजिए। छोड़ क्या करे? अगली बार उसके साथ देखा तो जान ले लूंगा तेरी, समझी? साथ में उसकी भी। समझा दे इसे। सुनिए, क्यों ये सब कर रही है? ऐसा मत कर वरना ठीक नहीं होगा। माँ, मत कर। बहुत अच्छा लगा, कल इडली बना कर देना। हे भगवान। मुझे पता था तू यही मिलेगा। तुम्हारे जैसे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नौकरी ढूंढनी चाहिए, किसी मंदिर में बैठकर पूजा करनी चाहिए। ये सब छोड़कर मेरी बेटी के पीछे घूम रहा है तू। आगे से उसके साथ कभी दिखना नहीं। ए, इधर देख, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। आप जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे क्यों डरूं? तेरी तो, तुझे इतने प्यार से समझा रहा हूँ। क्या समझता अपने आप को? पापा, क्या समझता है? छोड़ो मुझे। नहीं ज्योति, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नहीं ज्योति, पापा को बचा लिया, लेकिन कार्तिक को इस बारे में नहीं पता। उसे कितना मिस करती हूँ सब तुझे पता है। तू जानती है जिसने मेरी पेंटिंग्स गिराई वो कार्तिक ही था। नंदा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा कार्तिक मुझे मिल गया है। अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। ज्योति, तू पागल हो गई है? तू जानती है ना वो कौन है? बड़ा गुंडा है वो, उससे प्यार तू कैसे कर सकती है? तेरे लिए वो गुंडा होगा, मेरे लिए नहीं। समझने की कोशिश कर। देखो रामास्वामी, 30 साल से इस पार्टी में मरथंडम ही खड़ा हो रहा है। 4 बार जीत भी चुका है, लेकिन जीतने का क्या फायदा? उसकी वजह से पार्टी की बदनामी हुई है। इस बार उसका जीतना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी इमेज अच्छी है, तुम इलेक्शन में जीत सकते हो। क्या बोलते हो? ऐसी बात नहीं है। देखो रामास्वामी, 1 हफ्ते का टाइम लो, अच्छे से सोच समझ लो, फिर मुझे बताना। नमस्ते भाई। भैया नमस्कार। नमस्ते। ये सारा नारियल लोड ना करके जमा करके क्यों रखा भाई? मार्केट में रेट बहुत कम है इसीलिए। किसी और को बेच दो। एक काम करो, ये सारा लोड कर दो, ठीक है? हेलो। क्या है भाई, सुबह सुबह उठा दिया? हम्म,
रंभा उर्वशी मेनका तीनों एक साथ है, वाह वाह वाह। अरे ये पेपर कैसा है, चलो देखता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा प्रणाम। भाई इसमें प्रणाम लिखा है, क्या हो गया? आपके लिए विलायती ब्रांड की नई दारू मंगवाई है, आप इसे पियेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये कौन हो सकता है? कितना अच्छा होगा ना, एक दिन में 3 बोतल और 30 दिन में 90 बोतल। हे ऊपर वाले, ये आपकी कैसी माया है, आप रोज ऐसे ही पीते रहे और खुश रहे। ऊपर वाला जैसा आप चाहते हम वैसा ही करेंगे। और एक खास बात भाई, इसमें कुछ खास बात भी है, तुम्हारा लीवर पूरी तरह सड़ जाएगा और साथ में किडनी भी खराब हो जाएगी और लीवर का कैंसर हो जाएगा। ए, लीवर का कैंसर, ये सब उसी लड़की का काम है, दे मुझे। अबे क्या कर रहा है यार, सब तोड़ दिया, स्वर्ग लोग हाथ आया और मुंह भी नहीं लगा। पता नहीं कौन है जो ये सब हरकत कर रही है, जाके सिगरेट लेके आ। हाँ। 2 सिगरेट देना भाई। सुनो बेटा। क्या दीदी? वो वहाँ जो अंकल खड़े हैं ना, उन्हें भी लेटर दे दो। लेटर दे दूंगा दीदी। भैया क्या है? ये लो। किसका है? पढ़ लो भैया। आपकी जान मेरे लिए बहुत कीमती है, उसका ख्याल रखिए। किसने दिया ये तुझे? उस दीदी ने दिया। अरे बाप रे, वो यहाँ भी। 30 सालों से जानता हूँ माँ कंदन के खिलाफ, पता नहीं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। भाई लोगों के लिए अच्छा करने के लिए आपको ये काम करना ही होगा, और सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ। मैं आपके छोटे भाई जैसा ही होना, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? छोटे भाई की तरह नहीं, छोटा भाई है तू। तू जो कहेगा वो मैं नहीं करूँगा, कल ही गुरुजी से बात करता हूँ। भाई आप ही जीतोगे, पूरे एरिया में आपकी जीत का जश्न मनाएंगे। समाचार, आने वाले लोकल इलेक्शन में कोड़ी कलायम से रामास्वामी खड़े हो रहे हैं। 4 साल तक कुमार तंडम जीते आए हैं। पहली बार हुआ है कि एमएलए की सीट 4 साल से लगातार रामास्वामी को मिली है। मेरे साथ रहकर मेरे ही खिलाफ, नमस्कार मातंडम। 30 साल की राजनीति, 4 बार एमएलए, सब चला गया। मैं बहुत खुश हूँ यार, अपने भाई को सीट जो मिल गई। ये सब किसने कराया, गुरुजी ने ना? हाँ यार, किसी और से सीट लेकर भाई को ही दे दी,
गुरुजी को खुश करने के लिए भाई को अच्छे से जिताएंगे। भाई जीतेंगे, भाई के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? हाँ सही बोला तू। क्या हुआ भाई? ए, ये सब फोन पे क्या हमेशा बोलती रहती है? मैं कहीं पर रहकर कुछ भी करूं, तू कौन होती है बोलने वाली? अरे बाप रे। देख, तू मुझे बहुत परेशान कर रही है। एक बार तेरा पता लगा दूं, फिर तेरी जो हालत करूंगा ना। इस लड़की का तो पता लगाना ही। हेलो भाई, भाई, अरे भाई अपना गुस्सा इस फोन पर क्यों निकालते हो? सर रास्ता छोड़ेंगे प्लीज। जाइए जाइए जाइए। से गुंडे बुलवाता हूँ। नॉमिनेशन में उसका नाम नहीं आना चाहिए, समझ गया? बोलो क्या बात है? भैया ये मेरी फ्रेंड है, कार्तिक से बहुत प्यार करती है, इसी बारे में आपसे बात करनी थी। कार्तिक ने हमसे इतना कुछ छुपा कर रखा। किस बारे में? अपने प्यार के बारे में उसने हमें कभी नहीं बताया। अरे भाई इस तरफ आ रहे हैं। कार्तिक को इस बारे में तुम कुछ मत बोलना। ठीक है। क्या कार्तिक, तुम्हारा फोन हमेशा बिजी रहता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। कितनी बार ट्राई किया? कार्तिक किसी से प्यार करते हैं? ये लव में विश्वास नहीं करता। लड़की कौन है? भाई इसने अभी तक उस लड़की को देखा ही नहीं है। अपने मुंह बंद कर। देखा नहीं मतलब? मतलब इतने दिनों से फोन पे ही बात कर रहा है। अरे बाप रे। उसे ढूंढते हैं और फिर इनकी शादी करा देते हैं। चाचू की शादी कब होगी? चाचू की शादी बहुत जल्द होगी। अच्छा ठीक है, बाकी बातें घर चल के करते हैं। आप चलिए चलिए। शारदा क्या है जी? हमने फैसला किया है कार्तिक की शादी कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर लड़की कौन है? कार्तिक से प्यार के बारे में जिस लड़की ने बताया। लड़की को देख सकते हैं क्या? बुलाता हूँ, तुम खुद ही बात करो। लड़की आपको कैसी लगी? लड़की अच्छी लगी मुझे, उसके माँ बाप से बात करता हूँ। ठीक है। गुरुजी मेरा छोटा भाई कार्तिक जब तक मेरे साथ है तब तक मार्तंडम तो क्या किसी का बाप भी आ जाए ना तो मुझे इस इलेक्शन को जीतने से नहीं रोक सकता। 10 बजे आ जाऊंगा गुरुजी। ए, क्या हुआ? पता नहीं, देखता हूँ। जल्दी देखो। कोई अच्छी खबर होगी शायद। मेरा कार्तिक मुझे मिल जाए बस। मैं बात करती हूँ, तू कुछ मत बोलना। कार्टून चैनल नहीं आ रहा। हाय बेबी। हाय दीदी। चॉकलेट फॉर यू। थैंक यू। क्या बात है, आज तुम स्कूल नहीं गई? आज तो संडे है, आपको पता नहीं क्या? आप भी ना दीदी। अरे तुम दोनों आओ आओ, अंदर आओ। क्या पियोगी, चाय या कॉफी? नहीं अभी पीकर आए हैं, भैया ने बुलाया था इसलिए आए हैं। मुझे बताया था कि तुम आने वाली हो, रुको मैं कॉल करती हूँ।
बिजी है, वो कॉल करेंगे। तुम बैठो, चाय मंगाती हूँ। ठीक राधा जी। मालकिन चाय लेके आना। निकलने से पहले चेक नहीं करते क्या? लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम आई है। जल्दी करो। हाँ कार्तिक, क्या हुआ? इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। 10 बजे गुरुजी से मिलना है, क्या करूं? हाँ कोई गाड़ी आती है तो रोकता हूँ, आप चले जाना। हाँ देखो। सुनिए जी। बोलो। आपसे मिलने वो दोनों लड़कियाँ घर आई हैं। ऐसी बात है, गुरुजी से मिलकर 10 मिनट में आता हूँ। रोको 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 रोको। उससे बोलना कि कार्तिक अब खुद को बदल लेगा और बहुत जल्द भाई एक अच्छा इंसान। हेलो क्या हुआ, क्या हुआ आपको? हेलो कुछ बोलिए ना। हेलो हेलो भाई, मैं भी कब तक गरीबों की तरह जीऊंगा? भाई कुछ नहीं होगा भाई, मैं हूं ना भाई 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 भाई। सीट पाकर इलेक्शन में खड़े होने वाले रामास्वामी जी का कल शाम रास्ते में जाते समय उनके ड्राइवर ने चाकू भोंक के उनका खून कर दिया और वहां से वो फरार हो गया। अब स्वामी जी के नहीं रहने से वहां के पुराने एमएलए मार्टंडम को उनकी पुरानी सीट फिर से वापस मिल जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। हाँ, नमस्ते 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 मार्टंडम जी जिंदाबाद, 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 मार्टंडम जी जिंदाबाद। भाई बस करो, क्या बात है, सारे इलाके के एमएलए और मंत्री आज यहीं पे। 4 बार एमएलए बन चुका हूँ, इस बार नहीं बना रहे हैं क्या? जब तक हम लोग हैं आप ही बनेंगे एमएलए भाई। जब तक मैं हूँ आप ही को एमएलए बनना होगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता। फोटो निकालो, पोस्टर छापो। पापा को दौड़ाओ मत। पापा पकड़ो मुझे, आप नहीं पकड़ पाएंगे। अरे पकड़िए पकड़िए।
राजू। कहाँ जा रही हैं आप भाभी? अब वो नहीं रहे तो मन इस घर में नहीं लगता कार्तिक, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। भैया की मौत का कार्तिक पर जरूर असर हुआ है। कुछ भी हो जाए मैं कार्तिक को कभी नहीं छोड़ूंगी। ए, रुक 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 रुक, क्या हुआ? भाई कार्तिक उठो। अब क्या करूं? उठो। मैडम टाइम हो गया। मैडम कब तक ऐसे वेटिंग पे रहेंगे? एक मिनट यही रुको, मैं देख कर आती हूँ। हाँ। ए, क्या कर रही है तू? रोमांस कर रही हूँ। जी रोमांस करने का टाइम है बस 5 मिनट। 12 बज गए, ऑटो वाला वेट कर रहा है और तू यहाँ रोमांस कर रही है? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। चलना चलिए यहाँ से। चुन चुन कर मारूंगा सबको। अरे 6 पैर कैसे दिख रहे हैं मुझे? यहाँ तो 2 होने चाहिए। करेक्ट, लगता है मैंने ज्यादा पी लिया। 2 की जगह 6 नजर आ रहे हैं। सही है, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। सोता हूँ, सो जाता हूँ। अरे भाई जो जल्दी कर दे। भाई उसी का फोन होगा, उठाना मत। नया नंबर है। हाँ तो ठीक है। हेलो। ए वही लड़की है। वही क्या? फिर से शुरू किया इसने। ऐसा क्या? इसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ने का भी नहीं। चलो भाई चलो जाइए। हेलो, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हाँ अब आए ना तुम बिल्कुल सही रास्ते पर। ऐसे पूछोगे तो जरूर बताऊंगी। भैया भैया चने ले लो ना भैया। जरा अपने पीछे की तरफ मुड़कर देखो, एक छोटी सी बच्ची वहाँ चने बेच रही है। पहले उस बच्ची से तुम एक पैकेट चने खरीद लो। भैया भैया प्लीज चने ले लो ना भैया, प्लीज भैया ले लो ना। वो लड़की कौन है पता है? वो छोटी सी बच्ची आज जिन हालातों से गुजर रही है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। चने ले लो, चने भैया चने ले लो। आज इस लड़की की फैमिली एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रही है। पता नहीं और कितनी फैमिलीज को सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। स्कूल के सामने दारू पी रहे हो, बच्चे देखकर क्या सीखेंगे? क्या समझते हो अपने आप को? हाँ आज उस लड़की की फैमिली एक वक्त के खाने के लिए तड़प रही है। इसी की तरह पता नहीं आज कितनी फैमिलीज को तुम्हारी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हेलो, तुमसे कुछ बात करनी है, मिल सकते हो क्या? ठीक है, कहाँ हो तुम? तुम पहुँच गए? मैं पहुँच गया, तुम कहाँ हो? हेलो, कहाँ हो? बस यही, थोड़ा सा आगे आओ। उस पेड़ के पास खड़े हो जाओ। हाँ, पेड़ के पास ही हूँ। एक ब्लू एक्टिवा आ रही है। हाँ। वो मेरी फ्रेंड है, उसके साथ आ जाओ। क्या सोच रहे हैं, चलिए ना, आइए बैठिए। दरवाजा खोलिए, खोलिए ना दरवाजा। कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। लो बात करो। मैं ही हूं तुम्हारी ज्योति, तुम कितना बदल गए। मुझे देखने का मन भी नहीं किया तुम्हारा, मैं तो हर पल तड़पती रही। कार्तिक, तुम्हारा मन नहीं किया कि मुझे आकर ढूंढो, मुझसे आकर मिलो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, मेरी पहले लौटा प्लीज कार्तिक, और हम दोनों ही इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई ना। चलोगे ना कार्तिक? तब तक मैं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, किसी भी तरह आ जाओ। कार्तिक, कार्तिक, तू मेरा छोटा भाई। हम दोनों ही इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई ना हो। चलोगे ना कार्तिक? दवाई खा ली आपने? हाँ खा ली। We'll be right back.
सुन यार, अब जाके चैन मिला है मन को, भाई की आत्मा को शांति मिल गई। पियो। मेरी बात सुन, मार्तंडम के आदमी तेरे पास पहुंचे उसके पहले तू ज्योति को लेके यहां से निकल जा। भैया भी यही चाहते थे कि ज्योति के साथ तेरी शादी हो जाए। यार इतने दिन के बाद तू उससे मिलेगा, दाढ़ी में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हैंडसम बन कर जा। शर्मा गया क्या? यार तू कहां पर है? क्यों, क्या हुआ? अबे मार्तंडम के आदमी तुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तू जल्दी से वापस आ जा यार। We'll be right back.
मैं तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, नॉर्मल वार्ड में आप इनसे बात कर सकते हैं। ये लीजिए, ये मेडिसिन्स लेकर आइए। ठीक है, आप भी बाहर चलकर वेट कीजिए। जी, ये दवाइयाँ उस पेशेंट को दे देना। ओके डॉक्टर, ये दवाइयाँ दीजिए प्लीज। नंदा, आप यहाँ कैसे? कार्तिका, एक्सीडेंट हो गया है बेटी। ये आप क्या कह रही हैं? बचा लिया है, आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में ले जाएंगे, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ज्योति कहाँ है? मैं तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ओके कार्तिक, मैं पहुंचती हूँ। हेलो, ये देख, मेरी ज्योति ने मैसेज किया है। डॉक्टर ने कहा इसलिए मुझे ज्योति के मरने की बात कार्तिक से छुपानी पड़ी, लेकिन मुझे यकीन है एक न एक दिन कार्तिक को सच्चाई का पता जरूर चल जाएगा। तब तक कार्तिक की खुशी के लिए मुझे ही ज्योति बनना होगा। ज्योति की यादें मुझे जिंदा रखनी होगी।
ज्योति ने मैसेज किया है। ठीक है।